जय श्री कृष्ण। न्यूज़ फॉर काठियावाड़ चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हिना आहूजा मुंबई से। इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन वुमेंस प्रेसिडेंट, कॉस्मिक एनर्जी सेंटर मेरा खुद का है, साई बिजनेस क्लब एसोसिएशन। तो आज हम देखने जाए रमन शास्त्र के कार्ड के ऊपर से फर्स्ट मेष से मीन राशि। तो फर्स्ट देखते हैं मेष राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। मेष राशि 13वां भाव दिखा रहा है, तो 159 भाव से कनेक्टेड हुआ है। तो फर्स्ट आप खुद के बारे में सोचिए, खुद के बारे में कुछ करना चाहते हो तो वो आगे बढ़िए। आप अपनी वाइफ के बारे में टेंशन रहे हो, बच्चों के एजुकेशन के बारे में, या तो शेयर मार्केट के प्रॉब्लम्स, तो ये सारी चीज़ें हो रही। पूर्व पुण्य आपके काम भी आ रहे हैं। 9वां भाव दिखा रहा है, तो कहीं कुछ नया प्लान, धर्म की यात्रा या तो घूमने का हो रहा है, तो आप आगे बढ़िए। ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। लकी नंबर रहेगा आपका 1 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। लकी कलर रहेगा ऑरेंज येल्लो। आपको एक छोटी सी रेमेडी, आपको क्या करना है, सूर्यदेव को इष्ट दिशा में आपको पानी जल का अर्घ चढ़ाना है, उससे काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। अभी आ रही है वृषभ राशि, तो वृषभ राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। 6ठा भाव दिखा रहा है वृषभ राशियों के लिए, तो रोग शत्रु और कुछ कोर्ट कचहरी के मामले भी हो सकते हैं। कहीं पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचे तो ये वीक आपके लिए अच्छा नहीं है, इन्वेस्ट ना करें तो बेटर रहेगा। कहीं पे कुछ नया लग रहा है और आप एग्रीमेंट करके आगे बढ़िए और फिर इन्वेस्टमेंट करें तो फ़ायदा रहेगा और सक्सेसफुल होंगे आप। हो सके तो आपके आजू बाजू व्यय का खर्चा दिखा रहा है, हॉस्पिटल के खर्चे हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी के भी खर्चे हो सकते हैं। तो आपके आजू बाजू जो भी हॉस्पिटल रहती है या तो कोर्ट कचहरी रहती है, वहाँ से एक्वागार्ड का पानी लेके आना, और वहाँ से फिर आपको क्या करना है कि वो पानी लेके घर के बाहर छिड़काव करना है, घर के अंदर छिड़काव करना है, और हो सके तो रोक सोल के पोछे लगाए, घर से नेगेटिव एनर्जी सारी निकल जाएगी। लकी नंबर रहेगा आपका 6 नंबर, लकी कलर रहेगा वाइट, और आपको एक छोटी सी रेमेडी चंद्रदेव के रात को दर्शन करने हैं। अभी आ रही है मिथुन राशि, तो मिथुन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। 9वां भाव दिखा रहे मिथुन राशियों के लिए, तो आपके भाग्योदय खुल रहे हैं, आपकी चाबी खुल रही है, आपके कहीं पे धर्म की यात्रा या तो फॉरेन की टूर हो सकती है और बहुत ही जल्दी होने वाली है, या तो ट्रैवलिंग भी होगी जल द्वारा, तो आप आगे बढ़िए। कहीं पे दत्तक संतान लेने की बात भी हो रही है। लकी नंबर रहेगा आपका 9 नंबर, लकी कलर रहेगा आपका रेड कलर। अभी आ रही है कर्क राशि, तो कर्क राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। 7वां भाव दिखा रहा है कर्क राशि, युवक युवती के शादी के योग बन रहे हैं। कहीं पे कुछ पार्टनरशिप के बारे में भी सोचे तो पार्टनरशिप में आगे बढ़िए, पार्टनरशिप भी बिजनेस में कर सकते हो। और कहीं पे लगता है कि आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो, पॉलिटिक्स में भी जा सकते हो, आपको वो भी बेनिफिट होगा। लकी नंबर रहेगा आपका 7 नंबर और लकी कलर रहेगा आपका मिक्स एंड मैच। एक छोटी सी रेमेडी, आपको क्या करना है, आपकी ज़्यादा मन्नत पूरी नहीं होती है तो या शादी व्यापार बिजनेस में कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या करना है, हो सके तो आपको जो भी भगवान को मानते हो वहाँ मंदिर में जाके ध्वजा चढ़ानी, आपके काम जल्दी से हो जाएंगे। अभी आ रही है सिंह राशि, तो सिंह राशि ये वीक के क्या कहती है। हुमरा आ रहा है, 8वां भाव दिखा रहा है, 8वां भाव कहीं से कुछ माल मिलकत या तो मकान या विल वारसत मिलने की शक्यता है। आपके भाग्योदय भी खुल रहे हैं, कहीं पे पैर में मोच आ सकती है, कहीं पे घुटने का दर्द हो सकता है, ऑपरेशन भी हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखें। तो आपको क्या करना है, हो सके तो उस कमर से पैरों तक सरसों के तेल की मालिश रोज कीजिए, उससे काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। और आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है, कहीं पे काम नहीं बन रहा है, तो आपको क्या करना है, हो सके तो आपके घर की नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए घर की जो दहलीज रहती है वहाँ पे कपूर और लौंग के मिट्टी के दिए में जलाइए, तो काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, रोज शाम को करना है। लकी नंबर रहेगा आपका 8 नंबर, लकी कलर रहेगा मिक्स एंड मैच। अभी आ रही है कन्या राशि, तो कन्या राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। 12वां भाव दिखा रहा है, तो व्यय का स्थान दिखा रहा है। कहीं पे आप अपना बेडरूम रिनोवेशन कराने के बारे में सोच रहे हो, कहीं हॉस्पिटल के खर्चे भी हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी के मामले भी हो सकते हैं, तो आपको खास ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है। फॉरेन की टूर भी दिखा रहा है, तो वहाँ के भी खर्चे हो सकते हैं, घूमने का प्लानिंग भी कर रहे हो। लकी नंबर रहेगा आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, और लकी कलर रहेगा आपका ऑरेंज येल्लो। आपको क्या करना, हो सके तो सूर्यदेव को जल का अर्घ चढ़ाइए गायत्री मंत्र के साथ, और रात को चंद्र दर्शन करना है, उससे काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। अभी आ रही है तुला राशि, तो तुला राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। 15वां भाव दिखा रहा है तुला राशियों के लिए, तो 15वां भाव 3, 7, 11 भाव से कनेक्टेड हो रहा है। कहीं पर छोटी ट्रैवलिंग हो सकती है, युवक युवती के शादी के योग भी बन रहे हैं, कहीं पे पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हो, पॉलिटिशियन में जाने की भी सोच रहे हो,
और कहीं पे लक्ष्मी के प्राप्ति के योग भी हो रहे हैं, चाहे वो शेयर मार्केट द्वारा हो या अपने पार्टनरशिप बिजनेस में हो, तो ये वीक आपके लिए बहुत ही शुभ समाचार दे रहे हैं। आप आगे बढ़ो, युवक युवती के शादी के योग भी बन रहे हैं, तो आप आगे बढ़िए। लकी नंबर रहेगा आपका 1, 5 और 6। तो आपको क्या करना है, आपके घर के अंदर जो साउथ ईस्ट दिशा रहती है वहाँ पे घी का दिया जलाना है, और हो सके तो और नॉर्थ ईस्ट दिशा में वहाँ पे हल्दी की गांठी जो रहती है 11 हल्दी की गांठी रखनी है वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट दिशा में, तो आपका काम जल्दी से हो जाएगा। और आपने साथ भी एक हल्दी की गांठी रखिए। लकी नंबर रहेगा जैसे 1, 5, 6 बताया, लकी कलर रेड ऑरेंज बताया, ग्रीन कलर हो सके तो गाय को हरा घास भी खिलाइए। अभी आ रही है वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, फरा दिखा रहा है, पांचवा भाव दिखा रहा है। तो वृश्चिक राशियों को जरा थोड़ी सी टेंशन आ रही है कि मेरे बच्चे के एजुकेशन कैसा रहेगा, उसके एजुकेशन के लिए मनी कहाँ से होगा, थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही है, या तो शेयर मार्केट का बिजनेस कैसा है, उसमें मैं इवेंट्स फाइनेंस इन्वेस्ट करूँ कि क्या करूँ, तो सारी बातें बहुत खूब हो रही है। पहले आपके घर के नेगेटिव, आपके अंदर बॉडी के अंदर जो भी नेगेटिव है थिंकिंग, वो बाहर निकाल दीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग कर दीजिए। रोक सोल्ट से आपको बात लेना है, हल्दी से बात लेना है, रोक सोल्ट के साथ हल्दी भी थोड़ा डाल दीजिए तो काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। और जहाँ पे भी रुके हो तो गाय को हरा घास खिलाइए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लकी नंबर रहेगा 5 नंबर, लकी कलर रहेगा ग्रीन कलर। अभी आ रही है धनु राशि, तो धनु राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, सेकेंड भाव दिखा रहे हैं, कहीं पे आप लक्ष्मी के योग बन रहे हैं, कहीं पे फैमिली प्लानिंग हो रही कहीं के घूमने के लिए, तो कहीं पे वाणी पे संयम रखना बहुत ही जरूरी है। हो सके तो आपको क्या करना है कि आपके जो कुल देवी रहती है उसकी कुछ भी मन्नत ले लीजिए, आपका कार्य जल्दी संपूर्ण हो जाएगा। रात को हो सके तो चंद्र के दर्शन करने हैं तो काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। और नॉर्थ वेस्ट में कपूर और लौंग रख दीजिए मिट्टी के दिए में, उसको जलाना नहीं है तो काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। लकी कलर रहेगा आपका वाइट और लकी कलर नंबर रहेगा 2। अभी आ रही है मकर राशि, तो मकर राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, 10वां भाव दिखा रहा है मकर राशियों के लिए, तो 10वां भाव कनेक्टेड हो रहा है। कुछ आप माता के बारे में सोच रहे हो कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ जाए, इसलिए तो थोड़ा ध्यान रखें। माता के नाम से कंपनी खोल सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो, क्योंकि व्यापार बिजनेस का 10वां भाव है तो वहीं भी आपको कनेक्टेड हो रहा है, तो आप आगे बढ़िए। आपको क्या करना है, सूर्यदेव को अर्घ चढ़ाना है, वो हो सके तो गायत्री मंत्र के साथ कीजिए। लकी कलर रहेगा आपका ऑरेंज और येल्लो। अभी आ रही है कुंभ राशि, तो कुंभ राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, फर्स्ट भाव दिखा रहा है, तो अपने आप में आगे बढ़िए और लाइफ को सक्सेसफुल बनाइए, कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत कीजिए कि नहीं ये काम होने वाला है तो होके ही रहेगा। आलस थोड़ा कम कर दीजिए और आप अपनी वाइफ के या तो आपकी जो फाइन पेरेंट्स रहती है उसके साथ मिलके बिजनेस पार्टनरशिप कीजिए, आगे बढ़िए और भी काम आसान हो जाएगा। और हो सके तो नॉर्थ ईस्ट दिशा में घी का दिया जलाइए, और हो सके तो हल्दी की गांठ 11 रख दीजिए, एक हल्दी की गांठ अपने साथ लीजिए रखिए, और आपकी जो ऑफिस रहती है वहाँ तिजोरी में रखिए या तो अपने साथ रखिए, तो आपका काम जहाँ पे अटका हुआ है तो वो काम भी हो जाएगा। और आपको सूर्यदेव को अर्घ चढ़ाना है, लकी नंबर रहेगा 1 और लकी कलर रहेगा ऑरेंज और येलो कलर। अभी आ रही है मीन राशि, तो मीन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, 11वां भाव दिखा रहा है मीन राशियों के लिए, तो कहीं पे आप लक्ष्मी प्राप्ति हो रही है मित्र द्वारा हो या तो फ्रेंड द्वारा या तो दामाद के द्वारा, तो कुछ न कुछ फाइनेंस शेयर मार्केट से भी आपको प्राप्ति हो सकती है। बहुत ही अच्छा वीक दिखा रहा है ये वीक के लिए, तो सूर्यदेव को जल का अर्घ चढ़ाइए, काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। और हो सके तो चंद्र दर्शन कीजिए या तो कुल देवी की कुछ भी मन्नत ले लीजिए, उससे भी काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। लकी नंबर है आपका 1 नंबर 2 नंबर और लकी कलर रहेगा ऑरेंज येल्लो और वाइट कलर। आपको एक छोटी सी रेमेडी दी जाती है कि आपको क्या करना है कि कभी कभी ऐसा लगता है मून शाइन दिखाते हैं, तो मून शाइन में क्या होता है कि क्या करना है कैसे करना है, तो मून शाइन के लिए आपको क्या करना है, चंद्र के दर्शन करने, और हो सके तो मंडे को व्हाइट क्लोथ पहन लिए तो उससे काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। और न्यूज़ फॉर काठियावाड़ चैनल की ओर से ये वीक के लिए आपको बहुत बहुत ही शुभकामनाएं। मैं हूँ डॉक्टर हिना ओझा मुंबई से, मेरा मोबाइल नंबर है 9820692303। थैंक यू वेरी मच।